मैदान पर उतरे हैं। पहला ओवर लेकर आए हैं गति के महारथी तेज तर्रार गेंदबाज जितेश। हट्टे कट्टे शरीर के हैं, शॉर्ट रन से गेंदबाजी करते हैं लेकिन अच्छी टप्पे की गेंदबाजी करते हैं। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, बैट का मोटा सिरा लेकर गेंद जाती हुई थर्ड मैन इस क्षेत्र में एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ अपना खाता अपना अकाउंट जरूर ओपन किया बल्लेबाज संदीप ने। अब मौका मिला है संदीप भोईर को, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। इस वक्त सामना करेंगे जितेश का। जितेश की अगर बात करें तो बिल्कुल अच्छे बल्लेबाज के साथ साथ अच्छे गेंदबाज भी हैं। टीम के लिए पहला ओवर लेकर आए हैं और इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में हैं, अच्छी गेंदबाजी के माध्यम से जाने और पहचाने जाते हैं। अब देखना यह है कि इस ओवर में संदीप क्या लूट मचाते हैं या फिर जितेश इन पर अंकुश लगाते हैं। इस बार मौका बना, अंपायर के इशारे का इंतजार। देखना यह है कैच को लपका गया है या नहीं। यहाँ पर मेरे ख्याल से टाई तो बहुत ही बढ़िया तरीके से लगाई थी राउत ने, कुणाल ने, और कैच नहीं बना पाए लेकिन एफर्ट की मैं प्रशंसा करूंगा, यहाँ पर तारीफ जरूर करूंगा क्योंकि इन्होंने अपने आप को झोंक दिया था और गेंद को की चाहत जरूर जताई थी। इसी बीच अगली गेंद, इस बार तेज तर्रार ब्लॉकर गेंद विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से नष्ट नाबूद करती हुई और पहला छक्का लगता हुआ इस वक्त कालिका माता स्पोर्ट्स टीम को। एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, संदीप आउट हो चुके हैं। संदीप की कमी पूरी करने खुद कप्तान वन डाउन आए हैं इस वक्त मनोज। मनोज शिंगे आने वाले वक्त में इनका भी एक टूर्नामेंट आपको जरूर देखने मिलेगा। कालिका माता स्पोर्ट्स प्रेजेंट कालिका माता चषक 2020 विजय सरिता ग्राउंड पर आपको जरूर इनका टूर्नामेंट देखने मिलेगा आने वाली 17 से 16 तारीख के आसपास। जितेश की अगली गेंद, मनोज न्यू बैट्समैन सामना करने के लिए सज्ज होते हैं। इसी बीच ये गेंद बड़ा हिट लगाने की चाहती, तेज तर्रार गेंद डायरेक्ट की कोशिश, टाइम बहुत लिया। अगर यहाँ पर बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर मौका था डायरेक्ट हिट करने का नॉन स्ट्राइक हैंड पर, लेकिन एक रन यहाँ पर पूरा किया गया है। एक रन के साथ मनोज ने अपना अकाउंट अपना खाता इस वक्त जरूर खोला है और स्कोर की अगर बात करें धीमी गति से स्कोर चलता हुआ 3 रनों पर। संदीप फिर से एक बार सज्ज होंगे जितेश के लिए। इसी बीच ये गेंद, इस बार मेन स्टाइलिंग स्ट्रोक और ये खूबसूरत कैच विकेट का बदल होता हुआ, एक और झटका एक और सफलता जितेश को मिलती हुई। झटका लगाया जरूर कालिका माता स्पोर्ट्स टीम को और इस वक्त अगर मोहन मास्टर्स की बात करें तो आज इनकी गेंदबाजी कुछ ज्यादा ही जितेश के लाजवाब दिखने में नजर आई। क्या बेहतरीन ब्लॉकर गेंदे की, उसके बाद फुल एंड डिलीवरी की, उसके बाद थोड़ी सी ओवर पिच गेंद करने की चाहत जताई थी। संदीप मिस टाइमिंग स्ट्रोक कर बैठे और खूबसूरत कैच, बेहतरीन कैच विकेट का बदम हुआ है। न्यू बैट्समैन आए हैं सागर पाटिल, बिल्कुल न्यू बैट्समैन के रूप में है। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खेलते हैं, बाकी दिन उनकी खोज जारी रहती है।
नए नए स्ट्रोक्स की जितेश क्या अगली गेंद इस बार ये बड़ा हिट लगाया है मनोज ने गेंद जाती नहीं टीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता दो रनों की विकेटों के बीच में दौड़ लगी और दो रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने ओवर की हुई है इस वक्त समाप्ति पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की जो रन संख्या है वो है 5 रन विकेटों की अगर बात करें तो 2 विकेटों के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम कालिका माता स्पोर्ट्स का ये स्कोर 5 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद मनोज और सागर की जोड़ी विकेटों के बीच में अभी भी मौजूद है अगर ये दो बल्लेबाज सेट हो गए ये दो बल्लेबाजों की पार्टनरशिप अगर जम गई तो फिर रनों की यहाँ पर बारिश जरूर देखने मिल सकती है गेंदबाजी का जिम्मा यहाँ पर संभालेंगे नए गेंदबाज आए हैं भविष्य काफी लंबा रनअप 30 से 32 कदमों का रनअप 38 सर्कल क्रॉस कर दिया है रनअप के मामले में इन्होंने नेक्स्ट मैच पोष मंत्र स्पोर्ट्स वर्सेस हेलो हाँ बोल उला स्पोर्ट्स आना है क्या आउटर पाइज होना बैठला कैप्टन आना है टॉस के लिए असर कह रहा है ब्रदर गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है भावेश ने और अब देखना ये है कल के दिन भावेश पवार ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी अब ये भावेश क्या करेंगे शॉर्ट गेंद थी बैकफुट पर हटे कट जरूर किया एक रन से ज्यादा कुछ नहीं चलिए नेक्स्ट मैच के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पोषमात्र स्पोर्ट्स वर्सेस ओला स्पोर्ट्स पोषमात्र भाईंदरपाड़ा वर्सेस ओला स्पोर्ट्स ओला आपको संपर्क साधना है हमारे कमेंट्री बॉक्स पर इनिंग के समाप्ति के बाद टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे इसी बीच भाविश की अगली गेंद दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी तेज तर्रार गेंद थी बिल्कुल गुड मॉर्निंग कहती हुई गेंद इंडिया के सुरक्षित हाथों में टॉट के रूप में डिलीवर होती हुई गेंद इस टॉट डिलीवरी के साथ भाविश की अगर बात करें तो रनअप जितना लंबा है गेंदें भी उतनी तेज तर्रार करते हैं इस बार चेंज ऑफ पेस गेंद की थी गेंद जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में बिल्कुल अच्छा रिसीव किया था गेंद को यहां पर मनोज ने 2 रन मिले हैं 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पर ओला स्पोर्ट्स ओला कैप्टन एंड पोषमात्र स्पोर्ट्स कैप्टन अनाय टॉस के लिए इसी बीच ये गेंद इस बार करारा प्रहार जरूर किया गेंद लवन बाउंड्री के क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी तैनात एक रन से ज्यादा कुछ नहीं अब तक के कोई बड़ा स्ट्रोक कालिका माता स्पोर्ट्स की ओर से नहीं देखने मिला लेकिन सागर जब तक के विकेटों के बीच में रहेंगे तो फिर कुछ ना कुछ कमाल करने की कोशिश वो करेंगे जरूर इसी बीच ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी बिल्कुल इस वक्त जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद इस डॉट डिलीवरी के साथ रनों की रन संख्या पे जो ब्रेक लगा हुआ है वो अभी भी कंटिन्यू है स्कोर है 9 रन अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार भाविश इस बार प्रहार किया और यहां पर गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन मैंने पहले कहा था ये सागर है इनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता है और उन्होंने तेज तर्रार गेंद का कैसे स्वागत किया और प्रहार किया लेकिन एफर्ट यहाँ पर जरूर कोशिश की कि नरेंद्र भारती ने कि कैच को लटका जाए लेकिन हाइट थोड़ी सी कम पड़ी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छेद दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 2 आंकड़ों में कन्वर्ट होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 15 रनों पर स्कोर 15 रनों पर दर्शाता हुआ
एक्स्ट्रा मिलेगा का तो फोटो है ना पिज्जा पिज्जा ऐसा लोगो बनो ना चाइना ऐसे नाम सुने हो स्टाइल का तो डाला दे ऑलवेज हमारे लास्ट शो है ना लास्ट है तीन दो रिंग चार नए गेंदबाज आए हैं इस वक्त नरेंद्र एक परफेक्ट ऑलराउंडर टीम मोहन मास्टर कैप्टन नरेंद्र भारती गेंदबाजी की कमान पर बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास किया था और यहां पर पिंडे की अगर बात करें तो इन्होंने गेंद को रिसीव करकर मेरे ख्याल से गुस्सा निकाला स्टंप पर विकेट का हुआ है पतंग और यहां पर एक और झटका लगता हुआ कालिका माता स्पोर्ट्स टीम को अब देखना ये है न्यू बैट्समैन विघ्नेश विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए विघ्नेश और सागर इस तरीके की जोड़ी अब क्या कमाल करेगी ये देखने वाली बात जरूरी क्योंकि आए हैं नरेंद्र तीसरा और महत्वपूर्ण ओवर लेकर बिल्कुल कालिका माता स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो एक बेहतरीन बैलेंसिंग टीम मानी जाती है अच्छे गेंदबाज हैं इनके पास अच्छे बल्लेबाज हैं उसी तरीके से मोहन मास्टर्स की अगर बात करें तो बिल्कुल इनके पास भी काफ़ी बेहतरीन सितारे हैं जितेश नरेंद्र पिंटिया साथ ही साथ भवेश ये अच्छी लाइनअप इनकी बॉलिंग की और बैटिंग की भी नजर आती है इस बार देखिए गति में थोड़ा परिवर्तन और यहाँ पर मौका बना गेंद को फील किया गया काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खूबसूरत कैच विकेट का बताया एक और छक्का जरूर लगता हुआ बिल्कुल यंगस्टर्स खिलाड़ी आज ज्यादा खेलते हुए नजर आ रहे हैं 40 प्लस के कुछ सितारे कम हैं कालिका माता स्पोर्ट्स में गणेश शिंगे जैसे खिलाड़ी नहीं है उसी तरीके से राजू पाटिल राजू दादा नहीं है और बिल्कुल ये जो कमियां हैं ये जरूर कालिका माता स्पोर्ट्स टीम को चुभेगी लेकिन ये टीम के लिए अच्छी बात होगी कि अब तक के विकेटों के बीच में सागर तैनात है न्यू बैट्समैन आए हैं दर्शन हट्टे कट्टे शरीर के हैं बाउंस बैक हैंड पर इस बार ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी बिल्कुल शरीर से जा टकराई थी एक रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बैट्समैन ने और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16 रनों पर दर्शन दर्शन सामना करने के लिए तैयार इस बार ये अच्छा स्ट्रोक था एक एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में दो रन का यहाँ पर डिमांड है लेकिन एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा एक रन से ज्यादा कुछ नहीं दर्शन आए हैं यहाँ पर सागर का साथ देने के लिए स्कोर है 17 इसी बीच नरेंद्र की ये गेंद और यहां पर 17 पे खतरा होता है यानी मौका तो बना था 17 पे खतरा का और जीवन दान मिला लेकिन तारीफ करूंगा मैं लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी की कुणाल 25 से 30 कदम दौड़ लगाकर कैच को लपकना चाह रहे थे हाथों में कैच समाते समाते रह गई और जिस तरीके से बात किया जाए सागर को जीवन दान यहां पर मिला है जरूर अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार नरेंद्र इस बार तेज गति की गेंद थी इन सुरक्षित कीपर के दास्तानों में डॉट के रूप में ओवर की हुई है समाप्ति स्कोर दर्शाता हुआ इस वक्त 18 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद
नेक्स्ट मैच पुष्मात्र स्पोर्ट्स वर्सेस ओला स्पोर्ट्स. चलिए पुष्मात्र स्पोर्ट्स बाइंडर बड़ा कैप्टन तनु खेलता काल पुष्मात्र स्पोर्ट्स अर्षद आना है टॉस के लिए इनिंग के बाद. अगर वो नहीं आए तो आपको आना पड़ेगा. उसी तरीके से ओला स्पोर्ट्स कि कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हो टॉस की प्रक्रिया में एक इनिंग की बात करेगी ये चीज ध्यान में रखिएगा. तो पहला नौते है ऑप्शन फॉर किड्स देते नौता नहीं आता कसा नहीं अपडेट आला नहीं. क्या बात है विनेश पाटिल न्यू बॉलर आए हैं और बड़े बॉय हैं. आज इनका जन्मदिन है तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं इन्हें. इस बार देखिए वन डिलीवरी मिडल स्टंपर पकड़े गए बड़े बॉय ने सागर को किया चलता और ये समझ लीजिए सबसे बड़ा गिफ्ट यहाँ पर मिला है इस वक्त मैच के रूप में इस मैच में. क्योंकि सागर जब तक के विकेटों के बीच में खड़े रहते तो ये रनों की रफ्तार को तेज करते लेकिन यहाँ पर पहली गेंद पर ही विकेट का खत्म हुआ है और वाकई में यहाँ पर बड़े बॉय ने अपना गिफ्ट मांग के नहीं छीन के लिया है. न्यू बैट्समैन हरीश तो बिल्कुल नीलेश पहली गेंद पर विकेट जरूर लिया है. पहली गेंद पर सागर जैसे खिलाड़ी को आउट किया है. हरीश आए हैं इसी बीच गेंद बड़ा हिट लगाने की चाहत गेंद रही डॉट के रूप में. व्हाट अ डिलीवरी क्या बात है अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी अच्छी टप्पी की गेंदबाजी और गति में जो मिश्रण करने की वैरायटी है वो लाजवाब. सुने पे सुहाग इस बार देखिए प्रहार किया गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन हुई है और ये बड़ा हिट जड़ा है बल्लेबाज हरीश ने. पहली गेंद को सम्मान दिया डॉट के रूप में रही दूसरी गेंद पर अटैक किया बैट को स्विंग किया बैट में से मधुर धुन सुनने जरूर मिली और गेंद आउट ऑफ द पार्क मिड विकेट बाउंड्री के क्षेत्र में 6 रन. व्हाट अ हिट इस 6 रन के साथ स्कोर ने लगाई छलांग स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पर. 3 गेंदें अभी भी आना शेष इस इनिंग की. इंग्लिश की अगली गेंद है इस बार हरीश कार्पेट के सारे खेला गया स्ट्रोक 1 रन यहां पर जरूर पूरा किया है 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं. दर्शन सामना करने के लिए सज्जे होते हुए दर्शन की अगर बात करें तो 40+ टीम में भी खेलते हैं लंबे हिट लगाने में माहिर हैं हट्टे कट्टे शरीर